بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ترجمة اے ایمان والو تم نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا और सुनते रहो और काफिरों को अजाब है दर्दनाक। खुलासा तफसीर, बाज़ यहूदियों ने एक शरारत ईजाद की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में आकर लफ्ज़ रायना से आप सल्लम को ख़ताब करते, जिसके माने इनकी इब्रानी ज़बान में एक बद्दुआ के हैं और वो इसी नियत से कहते थे, मगर अरबी ज़बान में इसके मानी हमारी मसलहत की रियायत फरमाइए के हैं। इसलिए अरबी दां इस शरारत को न समझ सकते थे और इस अच्छे मानी के कसद से बाज़े मुसलमान भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कलमे से ख़ताब करने लगे। इससे इन शरीरों को और गुंजाइश मिली, आपस में बैठकर हंसते थे कि अब तक तो हम इनको खुफिया ही बुरा कहते थे, अब एलानिया कहने की तदबीर ऐसी हाथ आ गई है कि मुसलमान भी इसमें शरीक हो गए। हक ताला ने इस गुंजाइश के क़ता करने के को मुसलमानों को हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालों, तुम लफ्ज़ रायना मत कहा करो और उसकी जगह पर लफ्ज़ अनजरना कह दिया करो, क्योंकि इस लफ्ज़ के मानी और रायना के मानी अरबी ज़बान में एक ही है। रायना कहने में यहूदियों की शरारत चलती है, इसलिए इसको तर्क करके दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करो और इस हुक्म को अच्छी तरह सुन लीजियो और याद रखियो, और इन काफिरों को तो सज़ाए दर्दनाक होगी ही, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी और वो भी चालाकी के साथ करते हैं। मसला, इस आयत से ये बात मालूम हुई कि अगर अपने किसी जायज़ फेल से दूसरों को नाजायज़ कामों को गुंजाइश मिलती मालूम हो तो ये जायज़ फेल भी इसके लिए जायज़ नहीं रहता। जैसे अगर किसी आलिम के जायज़ फेल से जाहिलों के मुकालते में पढ़ने और नाजायज़ कामों में मुतला होने का ख़तरा हो तो इस आलिम के लिए ये जायज़ फ़ेल भी ममनू हो जाएगा, बशर्ते कि ये फ़ेल शरण ज़रूरी और मकासद शरिया में से न हो। इसकी मिसालें कुरान और सुन्नत में बहुत हैं। इसी की एक दलील वह हदीस है जिसमें इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्लाह की तामीर जो कुरैश के ज़माने जाहिलियत में की थी, इसमें कई चीज़ें बिना इब्राहिमी के ख़िलाफ़ कर दी हैं। मेरा दिल चाहता है कि इसको मुनहदिम करके असर नव बना बिना इब्राहिम के मुताबिक बना दूं, लेकिन इससे नावाकिफ़ आवाम के फितने में मुब्तला हो जाने का ख़तरा है, इसलिए बिलफेल ऐसा नहीं करता। ऐसे अहकाम को उसूल फ़िक़ा की इस्तलाह में सद दराय से ताबीर किया जाता है, जो सभी फुका के नज़दीक मोतबर है। खुसूसन हजरत हनाबला इसका ज़्यादा अहतमाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।